यहां इतनी सारी माताएं बैठी है, सबके मंगल सूत्र की डिजाइन अलग अलग होगी। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? सबके हाथ के चूड़े की डिजाइन अलग अलग होगी। बोलते जाओ जरा जल्दी से, सही है कि गलत है? ठीक है। पांव में जो बिछुड़ी पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी। पांव में जो पायल पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी। सिर पे जो चुनर पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी। 16 श्रृंगार जो तुमने अपने तन पर, अपने शरीर पर, सुहाग की जितनी वस्तुएं धारण करी है, चाहे बिंदी लगाई हो, नथनी पहनी हो, कुंडल पहना हो, मंगल सूत्र पहना हो, सबकी डिजाइन अलग अलग होती है। केवल 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी डिजाइन नहीं बदली है, वो है मांग का सिंदूर, कुमकुम एक जैसा होता है। बोलो सही है कि गलत है? मांग का सिंदूर, मांग की कुमकुम, मांग में लगने वाला कुमकुम, इसकी डिजाइन कितनी बदल गई लोगों की जिंदगी में। मंगल सूत्र की डिजाइन बदल गई, चूड़े की डिजाइन बदल गई, कुंडल की, नथनी की, बेंदा की, सबकी डिजाइन बदली, टीकी की भी डिजाइन बदल गई, पर नहीं बदली तो मांग के सिंदूर कंकु की डिजाइन नहीं बदली, क्योंकि इस डिजाइन को तो परमात्मा ने छाप कर भेजा है, तो उसको बदलना भी मुश्किल है, वो नहीं बदल सकता। मंगल सूत्र के दाने एक बार निकल जाएंगे ना, चलेगा। नाक की नथनी एक बार निकल जाएगी ना, चलेगी। बिछुड़ी जल्दीबाजी में कहीं निकल जाएगी ना, चलेगी। बिंदी कहीं निकल जाएगी ना, चलेगी। हाथ का चुड़ला कहीं निकल कर रखा गया ना, चलेगा। पर मांग का सिंदूर कभी भी मांग से नहीं निकलना चाहिए। यीशु महापुराण की कथा। अब 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है मांग का सिंदूर जिसमें कोई भेद नहीं है। करोड़पति माता भी अपने सिर में लगाती है और एक सब्जी बेचने वाली भी अपने सिर में लगाती है। वो सिंदूर ने समानता बनाकर, एक ब्राह्मण की घर की माता भी सिर पर लगा रही है तो एक वैश्य के घर की माता भी सिर पर लगा रही है, एक क्षत्रिय के घर की माता भी सिर पर लगा रही है तो एक शूद्र के घर की माता भी अपने सिर पर लगा रही है। सारा श्रृंगार पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, मंगल सूत्र पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, हाथ के चूड़े पैसे के बल पर ऊंचे नीचे हो सकते हैं, पांव की पायल पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, केवल मांग का सिंदूर कुमकुम ये पैसे के बल पर ऊंचा नीचा नहीं होता। ये गरीब और अमीर सबकी समता बता देता है कि यहाँ सब बराबर है। मांग के सिंदूर के आगे, कुमकुम के आगे सब बराबर। इतनी बड़ी बात रामचरितमानस में आती है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना मेरे धान के कटोरे वाले सब। छत्तीसगढ़ वासी सबले बढ़िया, जमके बोलो जरा, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो मेरा छत्तीसगढ़ वालों से निवेदन है, और जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा हैं और जितने लोग आस्था चैनल फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना रामचरितमानस की। रामचरितमानस में राम जी ने रावण की ओर देखा, लंका की ओर देखा, और लंका की ओर देखकर राम जी ने हनुमान जी को समझौता करने के लिए भेजा, जाओ हनुमान जरा समझौता करना है रावण से। इतने में जामवंत
अंगद, और जितने बानर थे वो बोलते हैं प्रभु काय को समझौते की बात करते हो, मिटा देते हैं उस रावण को। देरी नहीं लगेगी, चुटकी भर में उस रावण को मिटा देंगे। चुटकी भर में रावण को मिटा देंगे। राम जी ने कहा रावण को मिटाना सरल है, पर मंदोदरी के मांग के सिंदूर को मिटाना कठिन है। जरा ध्यान दीजिए, रावण को मिटाना सरल है, पर जो ये मंदोदरी ने मांग में सिंदूर धारण कर रखा है, जो मंदोदरी अपनी मांग में सिंदूर धारण कर रखी है, जो मंदोदरी अपनी मांग में कुंकू धारण कर रखी है, जो मंदोदरी अपनी मांग में कुमकुम रखी हुई है, इसका सौभाग्य इसके सामने है, और इसका जो भजन है, इसका जो आनंद है, इसका जो स्मरण है, वो इतना प्रबल है कि उसको मिटाना कठिन। एक बात कहना चाहूंगा बहुत अच्छे से, आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे यहाँ कथा में श्री ताम्रध्वज साहू जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप तो आज आए हैं, पर आपके घर से जो बाईसा हैं, आपकी जो धर्मपत्नी है, हमारे लिए तो माता के तुल्य हैं। हमने देखा कल भी परसों भी, दो दिन से हम लगातार देख रहे हैं, कहीं के दूसरे मंत्री की अगर पत्नी होती ना तो 3 घंटा कथा में नहीं बैठती, पर हमने ये चीज देखी है कि वो 7-5 दिन की कथा में 2-3 दिन लगातार कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे संपूर्ण विश्व के सनातनियों को एक बात बताना चाहेंगे कि पति जब घर से बाहर निकलता है, पति जब अपना घर छोड़कर किसी मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, तो उसके साथ में धर्म पत्नी भले साथ नहीं रहती हो, पर उसके मांग में जो सिंदूर रहता है ना, उसकी चमक पति के साथ हर पल रहती है, ये निश्चित है। उसकी भक्ति का बल, उसके भजन का बल, उसके स्मरण का बल। अभी अभी आपने तुलसी जी और शालिग्राम की शादी जी करी होगी, बोलो सही है? एकादशी पर अभी तुलसी जी का ब्याह भगवान शालिग्राम जी के साथ लड्डू गोपाल के साथ करा होगा। जरा विचार करना, उस जलंधर को मारने के लिए देवताओं के पसीने छूट गए थे। क्यों? क्योंकि वृंदा के माथे का जो कुमकुम था, वृंदा के माथे का जो सिंदूर था, वो बड़ा प्रबल था, इसलिए जलंधर को मारना कठिन पड़ रहा। फिर करा क्या गया कि इसके सातित्व को दिखाया जाए, और सातित्व को दिखाने के लिए भेजा। जब उसका सातित्व दिग गया, सातित्व टूट गया, तब जलंधर के प्राणों को हरा गया। फिर निवेदन करूंगा, मेरी जितनी माताएं यहां बैठी हैं, जितनी मेरी बहन बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, निवेदन करूंगा, मंगल पाणिग्रहण संस्कार होने के बाद में, विवाह हो जाने के बाद में, अपने मस्तक पर मांग में, भले आजकल तो फैशन हो गया ज्यादा सिंदूर नहीं लगाती हैं माताएं, कुंकू नहीं लगाती हैं, थोड़ा उनको एक अलग सा फील होता है, तो उनको वो थोड़ा, मेरा निवेदन है कि मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, शादी होने के बाद में मांग में, और एक फिर निवेदन करूंगा, वो पेंसिल जैसी नहीं, पेंसिल जैसी नहीं, सिंदूर तुम्हारे पति ने जिस समय तुम मंडप के अंदर बैठी थी और चांदी के सिक्के से, तलदार से, अंगूठी से, डब्बी में से भर भर कर तेरी मांग में भरा था, ऐसा सिंदूर तुम्हारी मांग